एक पासे तो जिथे प्रवासियों का मन भाँदा छठ पूजा का त्यौहार है तो इस त्यौहार को लेके जिथे फगवाड़ा की दुसांझा नहर से काफ़ी रौनक लगिया हुई हैं उत्थे ही दूसरे पासे नहरी विभाग वालों नहर में छड़िया पानी आले दुआले के किसानों लई मुसीबत का कारण भी बनिया होया है। दरअसल इन्हां प्रवासियों वालों छठ पूजा लैके नहर का पानी इकट्ठा करके नहर विचकार बोरे सुट दिए गए हैं जिस कारण नहर का बन टुटन नाल नहर का सारा पानी आले दुआले किसानों के खेतों में चला गया जिस नाल बहुत सारे खेतों में बीजी कणक की फसल पूरी तरह नाल बर्बाद हो गई। इस मौके गलबात करदे पीड़ित किसानों ने दसिया कि छठ पूजा लैके प्रवासियों वालों नहर में बोरे सुटे हुए सन जिस कारण नहर का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में आ गया। उन्हें दसिया कि उन्होंने वालों रात के समय ही नहरी विभाग को सूचित कर दिया गया सी पर नहरी विभाग का अधिकारी काफ़ी देरी नाल पहुंचा। उन्हें कहा कि इस पानी कारण उन्होंने करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया जिस बाबत उन्होंने प्रशासन से सरकार पासों बन का मुआवजा देने और दोषियों खिलाफ़ कार्रवाई की मांग की है। दसांझा वाली नहर आ फगवाड़े वालू आ रही वो नहर रात की टुटी हुई आ टुटी त जी नहरी विभाग आ इन्होंने पिछों पानी छड़ दिता जी छठ पूजा फगवाड़े के हो रही है मोरले पासे जिथे जी टी रोड आ मेन वो एन सिरे ते आ के जो छठ पूजा कर रहे उन्होंने नहर में बन लाता मोहरे बोरे रख के वो सारिया साढ़े को प्रूफ आ फोटो भी खिंचिया वो ता नहर उछल के टुट गई जो खोथड़ा वाली साइड में बिरकों के बिरकों वाली साइड तो नहर टुटी आ नुकसान 25-30 खेत कणक के जोड़े बीजे वो सारा नुकसान हो गया सारा भर गया। असी सरकार तो नहरी विभाग तो यह मांग करते हैं कि जी अणगहली की गई है बहुत वड्डी अणगहली आ पिछों पानी छड़ दिता मोहरे बन लाता नहर में नहर तो टुटनी सी उछल के इस करके इन्हां दे उत्ते जो भी कानूनी कार्रवाई आई तो जाए साड़ी मांग आ जिहड़ा साडा नुकसान होया किसानां दा उहदा मुआवजा जिहड़ा आ गोदावरी करके मुआवजा दिता जाए तो जिहड़ा नहरी विभाग आ रात तो असं फोन करी जाने एस डी ओ साहब रात ही फोन किया 10 बजे तो थोड़ी नहर टुट जानी है मोहरे टुट गई आ 11 बजे तक जेई साहब 11 बजे इतने पहुंचे आ दो मुलाजम पहला सवेरे जरूर आते आए आ इतने लगे हो साडे नाल छोटे मुलाजम जड़े आ पर जेई 11 बजे इतने साढ़े को पहुंचे हूँ आके सानू सलाह देंगे मशीन जी बन रहे आप बोरे ला रहे हैं कि नुकसान हो गया जी खेतों का अपने हिसाब ला लो 20-25 खेत खराब हो गया साढ़ा 40-50 हज़ार की कणक होंगी एक खेत के ये तुम आप हिसाब किताब ला लो भी किन्ने की कणक हो जाती हों कि नुकसान लगभग टोटल नुकसान कि 10 लाख लग के चले गया भाई तकरीबन 10 लाख का नुकसान साडा किसानों का हो गया अजे होर हो जाना जी होर जे जिदा हुण चली जांदा काम पानी पिछों आई जांदा हले भी हले कि बंद किया तो असी मोहरे जाके देखा तो मोहरे बोरे बंद लाए हुआ मोहरे एन नहर बनी हुआ पूरी। उधर मौके पर आए नहरी विभाग के अधिकारी रॉबिन जस्सल का कहना है कि नहरी विभाग वालों छठ पूजा के त्यौहार को लेकर नहर में पानी छड़िया गया सी जो कि ओवरफ्लो होकर किसानों के खेतों में चला गया है जिसनों रोकने विभाग वालों काम किया जा रहा है। हाँ जी की सर मामला की है जरा नहर से आए अज छठ पूजा लिए पानी छड़िया इस टाइम खेतों में पानी की लोड़ नहीं है पानी कूड़ा करकट फसल कारण ओवरफ्लो होकर खेतों का काफ़ी नुकसान हो गया फसल सर लगभग कितना का नुकसान हो गया वो जी पटवारी साहब बुलाए हुण रकबा पूरा असैस हो जाएगा जज तो की भरोसा दवा रहे इन्हों अज भरोसा जी देखो मैं बुलाया होया अफसर अफसर आएंगे क्योंकि मेरे को जोड़ा मामले दे कह रहे हैं मुआवजा वो पावर नहीं हैगी वो मैं दस नहीं सकता उस बारे तो कारण की है जो नहर मतलब पानी इधर खेतों पानी की इन्नी ज़्यादा लोड़ नहीं सी छठ पूजा करके आप छड़िया करके हाँ जी छठ पूजा लिए जी एडमिनिस्ट्रेशन ने पानी छुड़वाया जी ठीक है हर साल छड़िया जाता जो चलो छड़ा जाए जो छड़न तो पहले तुम कहने कि ताे जे बंदे सफाई वाले आ कूड़े करके जब तुम पता पानी छड़ना फिर तुम 15 दिन पहले सफाई कर देने की जो छठ पूजा इन्नी इंपोर्टेंट आ कोई धर्म का यह मुद्दा आ धार्मिक काम धार्मिक काम के उत्ते पहरा दे लो बिल्कुल जी की मैक्सिमम कुछ रह गई जेडे टाणे टूणे आए ने।